हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टअप विद एमएन पर। आज हम देखने वाले हैं ट्रैक मेंटेनर के सैलरी के बारे में। तो ये लेटेस्ट अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन की सैलरी स्लिप है। ग्रुप डी, जो कि अब ये ग्रुप सी हो गए, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर की। तो उस ट्रैक मेंटेनर की सैलरी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स दिखा रहा है, जो कि हाइट क्या है सैलरी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेम, एम्प्लॉयज़ का नेम यहाँ पर आता है। उसके बाद डेजिग्नेशन, यानी कि पद नाम, वो किस पोस्ट पर कार्यरत है, तो यहाँ पर दिखा रहा है ट्रैक मेंटेनर थर्ड, यानी कि इसका प्रमोशन हो गया है ट्रैक मेंटेनर फोर्थ से ट्रैक मेंटेनर थर्ड में इनका प्रमोशन हो गया है। उसके बाद विभाग, यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट आता है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। उसके बाद स्टेशन, यहाँ पर किस स्टेशन पर कार्यरत है, उस स्टेशन का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद बिल यूनिट और एम्प्लॉय का आधार नंबर, यहाँ पर जन्मतिथि, यहाँ पर एम्प्लॉय की जन्मतिथि दिखा रहा है। उसके बाद लेवल, यहाँ पर इस एम्प्लॉय का एक बार प्रमोशन हो गया है, तो इसलिए इनका लेवल 2 आ गया है। जब यह न्यू रिक्रूटमेंट में जब आप लागे ज्वाइन हो करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पे लेवल 1 आएगा, लेकिन इनकी एक प्रमोशन लग गई, तो इसके लिए इनका लेवल 2 दिखा रहा है। इसके बाद वेतन वृद्धि दिखा रहा है, इंक्रीमेंट डेट, इनकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होने वाली है, तो यहाँ पर डेट दिखा रहा है 1/1/2024 को, यानी कि साल में 2 बार इंक्रीमेंट होते हैं, एक जनवरी को और एक जुलाई में, तो इनका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को होने वाली है। तो उसके बाद इनका मोबाइल संख्या दिखा रहा है, मोबाइल नंबर क्या है। इसके बाद यहाँ पर कार्यग्रहण, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, तो 2016 को इनकी ज्वाइनिंग हुए, तो इसके लिए इनके 6 बार इंक्रीमेंट लगी है और 1 बार इनका प्रमोशन हो गया है। 6 बार इंक्रीमेंट लगी है, तो इनका बेसिक भी यहाँ पर बढ़ गया है, 23,100 रुपये इनका बेसिक हो गया है, और इनका एक बार प्रमोशन भी हो गया है, तो इसलिए इनका पे लेवल 1 से 2 में इनका प्रमोशन हो गया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पर सब बैंक डिटेल्स है, खाता संख्या है, पैन कार्ड, यहाँ पर सब ये इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर सैलरी समरी के बारे में देखते हैं, तो इनका जो 1/4/2023 में बैलेंस लीव इनकी कितनी बाकी है, तो यहाँ पर दिखा है फर्स्ट LAP 166 इनकी बाकी है, तो लीव विथ एवरेज पे 166 बाकी है, और हाफ लीव विथ एवरेज पे 150 इनकी बाकी है। और ड्यूटी अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ की सैलरी है, तो अप्रैल मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं, तो इसके लिए 30 डेज यहाँ पर दिखा रहा है, और विदाउट पे यहाँ पर दिखा रहा है 0 इनका विदाउट पे हो गया इस महीने में। तो टोटल जो ग्रॉस पे है अप्रैल मंथ में इस एम्प्लॉय का 92,903 रुपये इनका टोटल पे बन गया है। तो टोटल पे कैसे बना है, तो बेसिक पे पहले 23,100 रुपये, क्योंकि इनके 6 बार इंक्रीमेंट लग गए हैं। जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ग्रुप सी में ट्रैक मेंटेनर पर ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पर 18,000 बेसिक रहेगा, तो इनकी 6 बार इंक्रीमेंट हो गए, तो इसलिए इनका 18,000 से अब 23,100 रुपये इनका बेसिक हो गया है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस डीए 9,702 रुपये, जो पहले 38% डियरनेस अलाउंस था, लेकिन अब 42% डियरनेस अलाउंस हो गया, तो उस हिसाब से 9,702 रुपये डियरनेस अलाउंस इनका बना है। जब 18,000 पर हम जब बेसिक पे पर लग जाएंगे, तो जो डियरनेस अलाउंस बनेगा वो 7,506 रुपये डियरनेस अलाउंस बनेगा। उसके बाद एरियर्स, यहाँ पर जो एरियर्स आएगा डीए में जो एरियर्स आएगा, तो वो 2,772 रुपये बनाए, क्योंकि डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अप्रैल और अक्टूबर को होता है, तो इसलिए अप्रैल और अक्टूबर की जो सैलरी आती है उसमें एरियर्स आता है डियरनेस के, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने के जो डियरनेस अलाउंस में जो एरियर्स थे वो अप्रैल मंथ में ऐड होता है। उसी प्रकार से जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो डियरनेस अलाउंस में जो एरियर्स आएंगे वो अक्टूबर में ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर की सैलरी हमेशा ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें एरियर्स लगते हैं डियरनेस अलाउंस में। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिखा रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर 1,700
8,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिखा रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एरियस 108 रुपये, स्पेशल पे क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है वो गेट कीपर इस पद पर है। ट्रैक मेंटेनर का कभी कभी गेट कीपर के लिए भी नियुक्ति होती है, तो उसके लिए उसका एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, 1,000 महीना ये स्पेशल अलाउंस मिलता है। उसके बाद नाइट ड्यूटी, इनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, तो इस 1,063 रुपीज़ यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको मिला है। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, 11,000 ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। जब ट्रैक मेंटेनर की जॉब उसके जो होम स्टेशन है, होम स्टेशन से 8 किलोमीटर के आगे अगर उन्हें काम करना पड़ेगा तो उसके लिए उनको 500 रुपये डियरनेस सॉरी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। हर दिन 500 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो इनको 11,000 ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है। तो इसका मतलब इन्होंने 22 दिन अपने होम स्टेशन से 8 किलोमीटर आगे तक काम किया है, इसलिए इनका 11,000 ट्रैवलिंग अलाउंस बना है। उसके बाद बाइसिकल अलाउंस, 180 रुपये बाइसिकल अलाउंस मिला है। और लास्ट में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो कि पूरे ग्रुप डी के पदों में केवल एक ट्रैक मेंटेनर ही यही एक पोस्ट है जिसको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है, जो कि 2,700 रुपये फिक्स होता है। हर एम्प्लॉय को 2,700 रुपये फिक्स होता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो कि ट्रैक मेंटेनर पद पर कार्यरत रहेंगे। उसके बाद ये टोटल जो अलाउंसेस है वो सब मिलकर इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो बनी है 52,903 रुपीज़, यानी कि इनका 6 बार इंक्रीमेंट हुए और 1 बार इनका प्रमोशन भी हुआ है, इसलिए इनका लेवल बढ़ गया। लेवल ट्रैक मेंटेनर 4 से ट्रैक मेंटेनर 3 बन गए और इनका पे लेवल भी चेंज हो गए, लेवल 1 से लेवल 2 इनके प्रमोशन हो गए, यानी कि टोटल इनकी जो ग्रॉस पे बनी है वो बनी है 52,903 रुपीज़। अब देखें कटौतियाँ, रिकवरीज क्या क्या हुई है। तो यहाँ पर कर्मचारी कल्याण कोष के लिए 50 रुपीज़ यहाँ पे कट हुए कर्मचारी कल्याण कोष। उसके बाद ऑल इंडिया एससी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन, रेलवे में बहुत सारे एसोसिएशन होती है, एससी एसटी ओबीसी बहुत सारे एसोसिएशन होती है, जो कि उनके लिए सालाना हमारे कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो यहाँ पर 200 रुपये हर साल 200 रुपये इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद देखते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस, रेलवे एम्प्लॉयज़ का हर एक रेलवे एम्प्लॉयज़ का एक इंश्योरेंस होता है, उसके लिए 30 रुपीज़ यहाँ पर कट हो गए। और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत 3,597 रुपये कट हुए। जो ये एनपीएस के लिए कट होते हैं, जो अमाउंट कट होती है वो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस को 10%, बेसिक पे इनका 23,000, डियरनेस अलाउंस 9,000 और इसका 10% यानी कि 3,557 रुपीज़ इनका कट हुआ है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, इन्होंने रेलवे के क्वार्टर्स लिए इसलिए यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर इनके आयु में हाउस रेंट अलाउंस नहीं आए, लेकिन हाउस रेंट का जो चार्जेस है यहाँ पर चार्जेस कट किया है 187। और उसी तरह वाटर चार्जेस भी कट गए, वाटर चार्जेस 5 रुपीज़, यानी कि इनका टोटल जो रिकवरीज हुई है, जो टोटल जो इनकी कटौतियाँ हुई है वो हुई है 4,696 रुपीज़। और अगर हम माइनस कर देंगे 52,903 - 4,696, तो इनकी जो नेट पे बनेगी वो बनती है 48,207 रुपीज़, यानी कि ट्रैक मेंटेनर के लिए जब प्रमोशन के बाद इंक्रीमेंट के बाद इनकी 6 साल की इनका जॉब हुई है, 6 बार इनकी इंक्रीमेंट हुई है, 1 बार इनका प्रमोशन भी हुआ है, इसके बाद इनकी सैलरी बनी है, नेट सैलरी बनी है 48,207। इसमें हाउस रेंट भी नहीं, हाउस रेंट अलाउंस भी ऐड नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने क्वार्टर्स लिया है, या नहीं तो इनका सैलरी और बढ़ जाती 2,100, 2,800 ऐसी सैलरी और बढ़ जाती, यानी कि इनका टोटल जो पे बना है वो 48,207। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।